सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपके विंडोज़ पीसी में गूगल क्रोम ब्राउज़र में जो दोस्तों स्क्रीनशॉट को कैसे कैप्चर करते हैं और उसके बाद उसको कैसे एडिट करते हैं, और उसके बाद अगर आप वो स्क्रीनशॉट को सेव करना चाहें तो उसको आप इजी तरीके से PDF JPG फाइल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले वो एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए वेब स्टोर ओपन कीजिए गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस तरीके से, और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है गो फुल पेज, इस तरीके से सर्च कीजिए और इंटर हिट कीजिए, और ये वाला फर्स्ट वाला जो एक्सटेंशन है उसको ओपन कीजिए, और ये एक्सटेंशन को आपको आपके ब्राउज़र में ऐड कर देना है। मैं ऑलरेडी इसको ऐड किया हूँ। उसके बाद दोस्तों जब भी आपको आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है फुल पेज स्क्रीनशॉट, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आपको ये पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने एक्सटेंशन को ऐड किया है तो जस्ट उसको ओपन कीजिए इस तरीके से। ओपन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर हो गया है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने एक्सटेंशन ऐड किया है तो वो एक्सटेंशन आइकन पे आपको सिंपल से एक मरतबा क्लिक करना है, जो भी आपका करंट पेज रहता है वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। तो उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये स्क्रीनशॉट को एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि शेप्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे आप अपने इमेज में जो दोस्तों लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, एरो मार्क यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, और या फिर कोई चीज़ को ब्लर करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई स्टिकर्स यानी कि इमोजीज वो या ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी इमेज का जो जूम परसेंटेज रहता है उसको भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, मोर में आप अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो आपके एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अगर आपको ये फाइल को जो है सेव करना है एडिटेबल स्क्रीनशॉट को, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ये एडिटिंग फीचर हमेशा के लिए यूज़ करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो पेड वर्जन रहता है वो आपको बाय करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आप इसको जो है फ्री ट्रायल भी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कीजिए और इसका ट्रायल वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको आप अपने स्क्रीनशॉट को सेव करना चाह रहे हैं एज ए PDF फाइल या फिर इमेज फाइल, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड PDF और या फिर डाउनलोड इमेज। तो हम एज ए PDF फाइल डाउनलोड करते हैं दोस्तों, जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और अलाउ पे क्लिक कीजिए, और अभी आपकी जो फाइल है दोस्तों डाउनलोड हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल सा एक्सटेंशन है। अगर ये एक्सटेंशन आपको बहुत यूज़फुल लग रहा है या फिर बहुत हेल्पफुल लग रहा है, आप इसका जो है दोस्तों पेड वर्जन बाय करके एडिटिंग फीचर को जो है दोस्तों लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स है दोस्तों, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।